talaga. Uy ma, uy ma, uy ma, uy ma, uy ma, uy ma. ओहो, कांटा लगा, लेकिन कहाँ लगा? थोड़ा हमें भी बताओ, ताकि हम भी जाने कि ये कांटा आखिर लगा कहाँ है। सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसको बनाकर भगवान तो परेशान है ही, साथ में वो प्राणी पूरे यूनिवर्स को परेशान कर रखा है। बैंचों में एक बार के लिए ये सह लूंगा कि कोरोना फिर से वापस आ जाए, दीपक कलाल का मूवी आए और सुपर हिट हो जाए, सैसे पूनम और नेहा सिंह सुधर जाए। अब तू क्या सही में सुधर गई? के नीचे तू कहे तो बन जाऊं डीजे रात। ओ अच्छा, मतलब ये एक दिन के लिए थोड़ा सा भटक गई थी, अपने राह से भटक गई थी, कोई बात नहीं, यू कंटिन्यू। हाँ तो मैं बोल रहा था कि हम लोग ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भगवान तुमसे विनती है, दूसरा कोई टट्टी कक्कर टोनी कक्कर मत बनाना, क्योंकि यार एक ही तो हम लोग से झेला नहीं जा रहा है, दूसरा क्या। और हमें तो ये डर है कि इस टट्टी के चक्कर में हमारे हनी पाजी बिगड़ ना जाए कहीं। Seriously, what the fuck are you doing? जे हूँ कांटा लगा ओए मा ओए मा ओए मा ओए मा ओए मा ओए मा। बैंचोत कांटा लगा, धीमे धीमे नंबर लिख, कुर्ता पैजामा, मतलब लौड़ा लहसुन। क्या बनाते हो भाई तुम, गाना क्या बनाते हो तुम? गाना बनाते हो कि लोगों का चुतिया बनाते हो? पहले ये बताओ मेरे को। कर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ। और एक बात बताओ, तुम के जब लिरिक्स लिखने बैठते हो तो गधे के घर से गोबर निकाल के उसमें पेट्रोल डाल के खा कर फिर बैठते हो क्या लिरिक्स लिखने? मतलब यार तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलता कैसे है यार? मतलब इम्पॉसिबल है ये, तुम 8 या 9 वर्ड लेके पूरा गाना बना देते हो। सबके बस का बात नहीं है, ये सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो फाइनली हम लोग आते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारे टॉपिक है मिस्टर टट्टी कक्कर, टोनी कक्कर। तो रानी मेरे महल के पीछे 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 पीछे। तो यार हमारे टोनी ये बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, और इनकी लिरिक्स माशाल्लाह क्या चुम्बेश्वरी लिरिक्स होता है यार। मजाक कर रहा था, इसको कोई सीरियस मत लेना, इस बात को जो भी मैं अभी बोला ये बस बोलने के लिए था, बस और कुछ नहीं। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग टोनी भैया का नया गाना सुन चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं सुने हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि ये टट्टी भैया। अबे यार मेरे को क्या हो गया, ये टट्टी टट्टी क्यों आ रहा है बार बार? मैं बोल रहा था कि ये टोनी भैया का, हनी सिंह का और निहू दीदी का, तीनों का बहुत बड़ा कोलाबोरेशन हुआ, जिसमें से ये टट्टी बाहर आया है। यार हनी पाजी आपको बोल रहा हूँ मैं, इनका संगत छोड़ दो, सही लोग नहीं है ये। और यार नेहू दीदी माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या लग रही हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। अच्छी तो तुम ऐसा भी नहीं हो, बस तुमको हम लोग बर्दाश्त करते हैं, पता है क्यों? कुछ तुम्हारे इस तरह के गानों के लिए, और कुछ नहीं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बहन जो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि तुम लोग जिस चीज़ के लिए फेमस हो वो चीज़ क्यों नहीं करते हो? तुम लोग सिंगिंग के लिए फेमस हो ना, तुम लोग सिंगर हो ना, तुम लोग सिंगिंग करो ना, तुम लोग को एक्टर बनने के लिए कौन बोल रहा है? भोजपुरी एक्टर का कॉपी मत करो तुम लोग, ठीक है? ये चीज़ भोजपुरी में होता है और वहीं रहने दो तुम लोग। इसका गाना 2, 4, 10 गाना वायरल हो गया, वो एक्टर बन गया, उसका अगला मूवी आने वाला है, समझ लो। यार पाजी आप क्या कर रहे हो, आप अपने पुराने गाने सुनिए, आप कहीं इंस्पायर होइएगा, आपके अंदर का आग फिर से जलेगा। यार ये कहाँ कांटा लगा फांटा लगा कहाँ आ गया आप? नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो यार चलो कुछ इस गाने पे
कमेंट्स आए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स आए हैं, तो उस गाने के कमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला कमेंट पढ़ते हैं, टाटा बी लाइक कहाँ लग गया, इतना जोर से तो वो लगा भी नहीं था। सही बात है यार। ये देखो अनुज कुमार मौर्य जी, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो मैं इस गाने को रोज देखता हूँ जब मैं दुखी होता हूँ। थैंक यू टोनी कुकुर फॉर दिस सॉन्ग। अब तू क्या बोल रहा भाई, तुम मजाक उड़ा रहा है या फिर? इसे सुन के लगता है थानोस अच्छा आदमी था। हु एल्स एग्री? आई एग्री ब्रो। ब्रो नहीं, कौन है? कैप्टन नाभिया। टोनी कक्कर लिरिक्स आर बेस्ट वेपन टू फाइट अगेंस्ट तालिबान। सच में यार, कांटा लगा तो जाकर डिटॉल लगा। ये कोई टीचर है? स्टडी विथ AMC। नेहा कक्कर इज बिकमिंग मोर लाइक टोनी कक्कर। संगत का असर है बाबू भैया। कांटा बी लाइक गलती से हो गई, जाने दो, आगे से किसी को नहीं चुभूंगा, प्रॉमिस। भाई कांटा भी परेशान हो गया, इतना बार उई मा किया साला। देखो विश्वजीत कुमार है कोई, ये बोलता है म्यूजिक इंडस्ट्री को बर्बाद करना है, लेकर कर फैमिली, इसमें हम एक्सपर्ट है। आई रियली अप्रिसिएट दैट दे आर डूइंग सो मच कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल साइंस। डॉक्टर्स आर यूजिंग दिस सॉन्ग टू वेक अप पेशेंट्स फ्रॉम कोमा। हाँ सच में। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो लाइक करके जाना और कमेंट करो और बहुत सारा प्यार दो भाई, ऐसे ही देते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।